नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन और देवघर न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी का आज जन्मदिन है, जिस पर उत्तर प्रदेश में अपने चल रहे फिल्म की शूटिंग को छोड़कर खेसारी लाल पहुंचे अपने परिवार के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। प्लीज यह वीडियो देखिए। नमस्कार प्रणाम, हम खेसारी लाल यादव जितना भी लोग हैं सबके गोड़ छू के गोड़ लगता नहीं। और आज कोरोना वायरस की वजह से हम अपन बर्थडे सेलिब्रेट ना करनी है। और जे जे भी जहाँ से हमार बर्थडे सेलिब्रेट कैले बा ओकरा के दिल से थैंक यू, लेकिन हम चाहब कि रेवा लोग बर्थडे सेलिब्रेट करी लेकिन खुद से कर ली, और ताकि कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शन बा वो केहू तक ना पहुँचे। ऐसे बस हमार दुआ बर वह सबके कि रेवा सबके प्यारी आशीर्वाद हमके बड़ा कैले बा, और कोशिश रहेगा कि हमेशा रोल उनकी दुआ और आशीर्वाद में हम बना रही। वह सब दुआ और आशीर्वाद के ख्याल ही की वजह से आज बिहार सरकार के साथ भी हम भी बनी कि ये सरकार की तरफ से हम हूँ बनी। तो बहुत ज़्यादा वायरस की वजह से कहीं गई लाइल बहुत कठिन बा, ऐसे हम अपन बर्थडे सेलिब्रेट ना करनी है, सबके साथ है अपने फैमिली के साथ ही बनी। बाबू रुको, मैं आ रहा हूँ। इसीलिए हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये है मेरा ऋषभ, ये मेरा ऋषभ है। बोल दो हैप्पी बर्थडे टू यू, सबको बोल दो, बोल दो हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, कौन पापा? कौन पापा? ओम पापा। इधर आओ कृति, इधर आओ। और ये मेरी बिटिया रानी है। तो बस आप स्वस्थ रहिए, मेरी शुभकामना है। इसीलिए मैंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया कि क्योंकि देश से बढ़कर मैं नहीं हूँ और ना ही मेरी जीवन है। देश है तो मेरा जीवन है। और ये मेरा केक है, आप सबको दिखा दूँ, मेरी बिटिया ने लाया है। ये मेरी बिटिया ने लाई है, ये मेरी पत्नी साहिबा ने लाया है, मेरी वाइफ चंदा ने लाया है ये केक, और मेरा बेटा क्या लाया है, और मेरी बेटी ने देखिए आज गिफ्ट भी दिया है मुझे, गोल्ड दिया है ना, गोल्ड दिया है। और ये मेरा ये, और दिल से थैंक यू आप सबको कि आप लोगों ने, और मैं आज कि और ये मेरा रेन है, देखिए ये मेरा रेन, हेलो बोल दो सबको, रेन बोल दो। तो ये मेरा रेन है, सबको हाय बोलो आप बेटा, सबको थैंक यू बोल दो कि आपके पापा के बर्थडे सबने मनाया है। थैंक यू मेरे पापा के बर्थडे मनाने के लिए। सर आप भी थैंक यू बोल दो, थैंक यू आपके पापा का बर्थडे मना, मेरे पापा का बर्थडे मनाने के लिए, मेरे पापा का बर्थडे मनाने के लिए, थैंक यू थैंक यू। तो बस यही दुआ करना था। हम शूटिंग के व्यवस्था की वजह से, लेकिन आज मैं अपने परिवार के साथ हूँ, और मैं जिसको मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ मैं उसके लिए दिल से सॉरी बोलता हूँ कि मैं दो रात से जगा था तो मैं आया और सो गया। सचिन जी दिल से, सूरज, संदीप शाह, सबके सबके दिल से प्रणाम। कुमार भाई मैंने अगर नाम लूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और मैं आज इसलिए ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे रसूलपुर चट्टी में जहाँ से जहाँ का मेरी पैदाइशी है वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। आज आज पहली बार मुझे लगा जी मैं मेरे गांव के लोगों ने मुझे इतनी सम्मान दी कि वहाँ पे हैप्पी बर्थडे मेरा बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया उन लोगों ने। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी सेलिब्रेशन मेरे गाँव में हुआ है, तो मैं अपने पूरे गाँव वासियों को और पूरे ऐसे तो पूरे पूरे देश को मैं थैंक, हर जगह जहाँ भी मेरे भाई लोगों ने मुझे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। और ये मेरी पत्नी है,
चंदा, जिनका केक आप लोगों को मैंने दिखाया, थैंक यू बोलो सबको। ये थैंक यू नहीं बोल सकते क्योंकि क्योंकि इसके पास खेसारी लाल यादव है, तो थैंक यू क्या बोलेगी। तो दिल से प्रणाम, मैं अपने अपने गांव के लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार आज दिया है। मुरली भैया के पूरा परिवार से लेकर, पवन पांडे से लेकर, जितने भी लड़के वहाँ पे थे और जितने भी लोगों ने सेलिब्रेट किया, और पूरे मैं अपने पंचायत को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि पहली बार उन लोगों ने मुझे इतना प्यार और मोहब्बत दिया। ऐसे तो मैं उस गांव के मोहब्बत से ही बड़ा हुआ हूँ और उस गांव का एक कर्जदार हूँ मैं। कोशिश रहता है अपने गांव के लिए कुछ करूँ, और मेरे लिए मेरा खुद का गांव ही नहीं लेकर जितने भी गांव हैं सब मेरे अपने हैं, क्योंकि हर जगह मुझे प्यार करने वाले लोग हैं। तो दिल से उन्होंने मेहंदी को आगे कर दिया, और शायद 31 के बाद अब मेहंदी दोबारा लगेगी आप सबके सिनेमा घर में, इसलिए क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और आप बचेंगे, आपकी जीवन सुरक्षित रहेगी, तो शायद हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हम आपसे हैं। कहीं ना कहीं आपका प्यार हमें मिलता है, तब हम आज इस जगह पे हैं, इस लेवल पे हैं, इस जगह पे हमेशा हर वो खुशी आप देते हैं। मैं सारे लोगों को, अपने जितने भी टीम हैं सबको दिल से थैंक यू, और मैं अविनाश गिरी जो मेरे बड़े अजीज मित्र हैं, उन्होंने भी कल सेलिब्रेट किया है, प्रणव से लेकर, चिकू से लेकर, हमारे बड़े भाई जी को, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ जी, मेरे विकास भैया, विकास वीरप्पन जी से लेकर, मैंने जितने भी लोग थे वहाँ सबने बड़ी सेलिब्रेट किया मुझे और बड़ा प्यार दिया। तो दिल से थैंक यू सबको, और कि आप लोगों ने मुझे इतना, इसीलिए मैं निशांत जी, बड़े भैया, अभय भैया, हमारे रजनीश भैया, सबने डिसीजन ये लिया कि नहीं, हम लोग सरकार के साथ हम भी हैं, और ये इस दुखद घड़ी में हमें सबको साथ रहना चाहिए। और जितने लोगों ने मेरा बर्थडे जहाँ भी मनाया है, मैं दिल से थैंक यू आप सबको कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। फ़ोटो ले रही हो, ठीक से ले लो, इसमें तुम्हारा पूरा दुनिया में फ़ोटो चला गया बेटा, ठीक है, लग गया है इनका। हाँ, और ये मेरी बिटिया रानी, जो कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी खुशी। हाँ, बाय। तो दिल से प्रणाम आप सबको, और आप अभी अपने घर में सुरक्षित रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने कई सारी शो को अपने कैंसिल कर दिया, शूटिंग कर दिया, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती थी शूटिंग में। तो दूर से प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए, और जब ये चीज़ें वायरस ख़त्म हो जाएगी तो हम एक दूसरे के गले भी लगेंगे, बट हमारा जीवन रहेगा तभी हम गले एक दूसरे के लग सकते हैं। तो दिल से सारे मीडिया प्रभारी को मैं दिल से प्रणाम, सारे कंपनी मालिकों को मैं दिल से प्रणाम। मैं व्हाट्सएप पर जिन लोगों का जवाब नहीं दे पाया हूँ, सॉरी कि क्योंकि मैं जगा हुआ था 2 दिन से, तो मैं सो नहीं पाया था, इसकी वजह से मैं किसी का जवाब दे नहीं पाया, तो सो सॉरी। और लेकिन सबको दिल से थैंक यू और दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और मोहब्बत से भर दिया। तो आजीवन आप सबका गुलाम हूँ मैं और गुलाम रहूँगा। तो कितना होता है, कितना होता है, थैंक यू बोलो आप सबको, एक किसी दे दो, एक किसी दे दो, ऐसे ऐसे दे दो, हाँ लाइन किसी दे दो। तो अब मैं केक काट देता हूँ, हम और हमारी वाइफ साहिबा, ऐसे दे दो, ऐसे ऐसे, हाँ आ जाओ बेटा, आप भी आओ, अब आप ही आओ, आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ बेटा, आप लोग भी आ जाओ, रहने दे बेटा, कंडी जलाने की क्या जरूरत है, चलो ओ मेरा बच्चा। ये पल बड़ा खुश नसीब होता है, कभी कभी हम जैसे लोगों के लिए कभी कभी फैमिली के साथ रहना पड़ता है, लेकिन वो पल बड़ा खुश नसीब होता है, क्योंकि उस पल को अजीब एक वाइब्रेशन मिलता है, क्योंकि आप भी सब मेरे परिवार की तरह, और आप ही लोगों के लिए काम भी करता हूँ मेरा जीवन। तो ये पल आज बहुत खुशी का पल है मेरे लिए, चलो आओ बेटा इधर, आ जाओ, और पीछे ले जाना, और पीछे करो, ऐसे खड़ा रखो, आ जाओ चंदा, आ जाओ आ जाओ,
चलो हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear papa, happy birthday to you. फुको फुको, पापा कुछ मांगो। ये मेरे बच्चे हैं। फुको तो। पापा खिलाओ। अच्छा बाद में, ये लो। बाद में अभी नहीं। खिलाओ ये लो, ये खाओ पहले खाओ। नहीं खिलाओगे तो मेरे से खा लो। लो मम्मा खाओ। आज हमें आप लोग भी खिला दो। आजा ले बाबू। आ गया, हो गया, हो गया, हो गया। खिला दो बाबू। आप भी, आप लोग भी केक खा लो, टेस्टी चॉकलेट केक। लो मेरा हाथ खा लो। पापा ये भी काट दो। नहीं वो तो आप काटना। हाँ कोरोना वायरस तो भाग जाएगा ये केक से। ये केक में ऐसा दवाई है कि सारा कोरोना वायरस भाग जाएगा। हो यार, धोना धोना पड़ेगा। हे भगवान, इधर से बच्चे तो हमारे घर पे दवाई है, तो जिसको भी कोरोना वायरस से बचना है हमारे घर का केक खा के जाइएगा। कोई भी मतलब सब लोग सुरक्षित रहेंगे। ओके, मेरा नाम नहीं लिख रहे कोई। बेटा बात अभी करना है। हाँ 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 नहीं, आप बात करो अंग्रेजी में। अंग्रेजी में हाय, हाउ आर यू ऑल। बाबू बाबू मुंह में रखे, नाम दे रहा हूँ, नाम दे। ये बाबू की रहेगा। सिंह साहब, युवराज, नितेश कुमार, सिपिन सिंह। ये तोड़ी नहीं मम्मा। ओके, यादव सुधीर, पंकज, यशवंत, राहुल यादव, दीपक सिन्हा, रानी गुप्ता, लक्ष्मण कुमार। हाँ तो दिल से थैंक यू कि मैं आज अपने परिवार के साथ बड़ा अच्छा लगा। और आप लोग भी जब भी कोई ऐसा अपने जीवन में खुशी आए तो जरूर फैमिली के साथ मनाइए। हम लोग के लिए तो हमारी फैमिली आप सभी होते हैं। इट्स वेरी गुड टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, है ना, स्पेशली विद योर चिल्ड्रन और एंड गिव लव टू योर फैमिली। एक्चुअली मुझे अंग्रेजी तो नहीं आती क्योंकि मेरे पापा उतना पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इसके पापा हैं जो इसको पढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा अंग्रेजी में बात करो लोगों से, बात करो। हाँ सबको धन्यवाद बोलो, थैंक यू बोलो। बहुत सारे लोगों ने बहुत जगह पे मेरा बर्थडे मनाया बेटा। ओके हम बलून फोड़ेंगे। हाँ बर्थडे तो सबको दिल से थैंक यू बोलो। सबको दिल से थैंक यू, अंग्रेजी में बोलो। ओके थैंक यू एवरीवन फ्रॉम माय हार्ट एंड फ्रॉम माय फादर्स हार्ट। ओके तो लव यू ऑल, मेरी फैमिली, मेरी फैमिली आप सब, मेरी फैमिली मतलब आप सब और उसमें मेरी फैमिली भी है। तो लव यू ऑल कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत और इतनी शिद्दत से मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट किया। आप एक अभी जब तक ये कोरोना वायरस का जो कहर है ये जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक थोड़ा दूरियां बना के सबसे रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो एक दूसरे के आजीवन हम काम आ सकते हैं और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। इसीलिए हमने बहुत सारी चीज़ों को स्टॉप कर दिया है। शूटिंग कैंसिल कर दी मैंने, अपनी सिनेमा जो मेरा मेहंदी लगा के रखना, जिसकी आप लोगों ने इतना बड़ा ओपनिंग दिया कि शायद इधर 2-3 साल में कोई इतना बड़ा ओपनिंग सिनेमा नहीं लिया था। तो फिर हम 31 तारीख के बाद एक बार फिर आप सबसे मिलने के लिए और दोबारा री उसको कहीं ना कहीं फिर हम
लगाने का काम करेंगे, हॉल तक पहुंचाने का, और आपसे मिलने में आऊंगा इस बार। तो दिल से प्रणाम कि आप लोगों ने, फिर से भतीजवा की मौसी के आप लोगों ने इतना बड़ा प्यार दिया। इस बार होली में आप लोगों ने बताया कि आप लोगों ने कितनी मोहब्बत आप अपने बेटा अपने भाई से करते हैं। तो दिल से प्रणाम सबको कि आप लोग ऐसे ही बेटा और आशीर्वाद देते हैं। लव यू ऑल, सबको दिल से। तो ये था वो वीडियो जिससे देखकर आपको अंदाजा लग चुका होगा कि खेसारी लाल आज किस तरह से अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही फेसबुक के माध्यम से जिस तरह वो लाइव आकर अपने तमाम जो चाहने वाले हैं, जिस तरह से सभी लोगों ने आज पूरे दिन उन्हें शुभकामना दी, बधाइयां दिया है, उन सभी लोगों को आज उन्होंने धन्यवाद भी कहा। आपको हमारा न्यूज कैसा लगा बताना ना भूले, और साथ ही हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही तरोताजा खबर आप तक हम जल्द से जल्द पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.